हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे बच्चों। बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा क्वेश्चन है, तो आज इस क्वेश्चन को समझेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे प्रॉपर वे में। और बड़ा ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है बच्चों, मजा भी आएगा, कैसे समझेंगे पर ध्यान से समझना। तो वो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द न्यूक्लियर चार्ज ऑन ऑक्सीजन कार्बन एंड फ्लोरीन। हमसे कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन पे न्यूक्लियर चार्ज पूछा है। अब न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है कि न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है हमको वो बताना है। सर ये कैसे पता चलेगा? पता चलेगा, उसका भी ऑप्शन है, जब ध्यान से समझो। सबसे पहले एक बात बताओ, अगर हम एटम की बात करते हैं तो एटम के कितने सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं? तीन होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। अगर ये सर हमारे पास ये एटम का न्यूक्लियस है तो ये इसके बाद क्या है? तो ये हमारा देखो बच्चों है क्या, ये एटम का न्यूक्लियस है और ये क्या है, इसको सेल या ऑर्बिट कहते हैं। सेल या ऑर्बिट कहते हैं। सेल या ऑर्बिट में होते क्या है सर? सेल या ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहां पर रिवॉल्व करते हैं, कुछ इस तरीके से रिवॉल्व करेंगे अपना बच्चों। अब न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब एक बात को ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो हम ये बोल सकते हैं कि सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो सेल के ऊपर नेगेटिव चार्ज मान लेंगे। बात समझ में आया? ठीक है। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। अब न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है, और प्रोटॉन जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ओवरऑल न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज बनेगा? पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अच्छा ठीक है सर, हमको ये पता चल गया कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कितना पॉजिटिव चार्ज है? वो तो कैसे पता चलेगा, उसका भी ऑप्शन है। अब जरा ध्यान से सुनना, तीन यहाँ पर एटम एलिमेंट लिए गए हैं, तीनों को लेते हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। अब इनके एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है। बात समझ में आई ना? अब जरा बात को ध्यान से सुनना, अगर हम इनके एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो इसमें एटॉमिक नंबर 6 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है। अब इसमें हम नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं, एलिमेंट के ऊपर चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, ध्यान से सुनना, एलिमेंट के ऊपर चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसके प्रोटॉन में कभी भी चेंज नहीं होता है। तो बेसिकली इनके प्रोटॉन कितने होंगे, कार्बन का प्रोटॉन कितना होगा, कार्बन में प्रोटॉन होंगे 6, ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितना होगा 8, फ्लोरीन में प्रोटॉन कितना होगा 9 होगा। तो यानी इनमें देख लो ये प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूं कि कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं। तो जब कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं तो कार्बन में कितना न्यूक्लियर चार्ज होगा, +6 का होगा, एकदम आसान। अगर हम ये बोलें कि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में जब 8 प्रोटॉन है तो ऑक्सीजन पे कितना न्यूक्लियर चार्ज होगा, +8 का होगा। फ्लोरीन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 9 है प्रोटॉन है, तो इसका मतलब सर कि फ्लोरीन में +9 का न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो यानी हमारा ऑर्डर क्या बनेगा, +6 बनेगा, +8 बनेगा, +9 बनेगा। सर इतना समझ में आ गया, लेकिन ये तो बता दो पॉजिटिव चार्ज क्यों लगाया हो साथ में, पॉजिटिव चार्ज के अलावा और कोई चार्ज क्यों नहीं लगा सकते? मैंने अभी भी बोला कि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इनके जब प्रोटॉन को लिख रहे हैं तो हमें पॉजिटिव चार्ज शो करेंगे, तो यहां पर +6 +8 +9 होगा। 23 तरीके का ऑर्डर कहां से हो रहा है, ऑप्शन हमारा कहां पे है, ऑप्शन सी में, +6 +8 +9। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सी होगा। तो इस तरीके का ये प्रॉब्लम था और ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, और इस टाइप के क्वेश्चन को एकदम आसानी से हम लोग टेक्निक के साथ सीखेंगे और भी आगे क्वेश्चन लगाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।